अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत अच्छे होंगे। मैं हूँ दाऊद खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेदर लड़का। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज हम जाएंगे जी काम पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हो चुका है जी साफ सुथरा। तो अभी निकलने लगे हैं कोहिस्तान की तरफ और आज आपके साथ काम की वीडियो शेयर करेंगे जी। यहाँ से अभी टाइम लैप्स के जरिए स्पीड टू स्पीड जाएंगे काम की तरफ। तो काम पे जाके और फिर आपसे बात करते हैं जी। फाइनली आ चुके हैं जी घर में, जहाँ पर हम कर रहे हैं ये काम। तो अभी जाते हैं अंदर और केमिकल वगैरह भी ले कर आए हैं और बाइक को भी अंदर लेकर जाएंगे। तो फिर आपसे और बात करते हैं जी। याद आया कि आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, फिर आपसे और बात करते हैं जी। तो व्यूअर्स, अंदर हम आ चुके हैं जी और ये देखें जी टब हो चुका है जी खाली, क्योंकि माल सारा लग चुका है दीवारों के ऊपर और बाइक भी हमारी अंदर आ चुकी है। ये आए थे जी परसों आई थी ये टाइल, और ये वाली टाइल है जी, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी महंगी होगी ये टाइल। ये देखें कितनी ज़बरदस्त प्लेन टाइल है जी, और ये टाइल के डब्बे आए थे और ये वो यहाँ पर एक अंकल लगे हैं जी, वो लगा रहे हैं टाइल। ये इन्होंने इस बैठक में सारी लगा दी है टाइल। तो माशाल्लाह बड़ी सफाई और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लगाई है टाइल, और ये देखें डब्बे सारी खाली हो चुके हैं। और अभी हम जाएंगे जी वो जो यहाँ के जो बड़े ठेकेदार हैं जो काम करवा रहे हैं हमसे भी और सब से, तो वो आएंगे और उनके साथ जाएंगे मॉडल टाउन इमरान भाई के पास। वहाँ से त्रोड़े सिर्फ लेकर आने हैं, वो भी वाइट कलर वाले जो हम लगा रहे हैं रागवाल के, वो वाले थोड़े लेकर आएंगे और थोड़े लेने जाएंगे। तो आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे और उनसे हम बात भी करेंगे। वो थोड़े से शुगरी टाइप भी हैं, लेकिन उनसे हम बात करेंगे और हो सकता है व्लॉग उनके सामने ही हम बनाएं, क्योंकि उनके सामने व्लॉग इसलिए नहीं बनाते वो, ये ना होना हो गए ये कि ये तो बड़े यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर की वजह से ये ना हमें आगे काम भी ना दे। फिर वो कहेंगे ये तो सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो शूडियो भी बनाते हैं, काम पे तवज्जो नहीं देते फिर इसलिए। और अभी जाते हैं जी ऊपर छत की तरफ, छत पे जाएंगे क्योंकि इन्होंने हमें कॉल भी की है कि आपने जो काम किया है जी वो तो हो गया जी, जो ताज़ा ताज़ा लगाया था वो बारिश हो चुका है सारा ख़राब। तो जाते हैं ऊपर, और ऊपर हम आ गए हैं जी। यहाँ से अभी दिखाएंगे आपको भी कि हमारा कौन कौन सा काम खराब हुआ है। या अल्लाह खैर, ओह हो, ये हो चुका है जी। ये जो टॉप लगाई है हमने ये वाली बच चुकी है, क्योंकि यहाँ तक बारिश जो है ना वो नहीं आई है, इधर से आगे आई है बारिश। तो ये देखें ये सारे, ये है मजबूत अभी क्योंकि धूप लग गई है इसको। ये देखें ये सारी ख़राब हो गई है क्योंकि ताज़ी लगी थी, ताज़ी सूखी नहीं थी, तो सूखेगी नहीं फिर ख़राब ही होना है इसने। और ये वाला भी देखें जी, ये उस दिन इतना बेहतरीन करके प्यारा करके हमने लगाया था, और इसका हाल देखें ये
अभी इतना मजबूत हो गया है कि ये देखिए। तो ये पीस भी अभी लगेगा दोबारा, और तो सारा ठीक है क्योंकि वो सूख गया था, जो सूखा नहीं है ताज़ा था, तो ताज़े को उसने जो है ना हालात ख़राब कर दिए। बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है जी कोस्तान पे, धूप पड़ रही है अच्छी सी। तो जाते हैं अब नीचे वापस और कपड़े अपने, तो अपने कपड़े शपड़े भी चेंज करते हैं क्योंकि सामान लेकर आना था, सामान लेकर आएंगे और क्योंकि सामान लेने जाना है, तो कपड़े ये ना होना कपड़े गंदे हो जाएंगे थोड़े लेकर आने हैं। तो जाते हैं नीचे और वर्दी चेंज करके फिर बात करते हैं जी आपसे। तो ये वाली वर्दी है जी हमारी, और ये भी चेंज करते हैं जी, ऐसे ही पहनते हैं तो पहनी जाएगी अभी वर्दी चेंज। और अभी नंबर है जी इसका, तो ये भी पहने, ये और ये भी पहने गए। तो रेडी हो चुके हैं हम, ये वर्दी पहन ली है, बूट शूट भी लगा लिए, तो जंग के लिए हम तैयार हो चुके हैं जी। तो जंग किसके साथ करना है जी? जंग करना है जी इस बिल्डिंग के साथ। इस बिल्डिंग का जो कलर है वो हमने चेंज करना है जी, इसको मार मार के। वो मारना भी हमने इसको घरमालों के साथ है। तो अभी हम थोड़ा सा जो अपना काम है जी वो शुरू करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं जी। और जी वेलकम बैक जी व्यूअर। तो मालिक आ चुके, ठेकेदार आ चुके हैं जी, और अभी हम सामान लेने के लिए जाएंगे जी। ये सामने गाड़ी आ चुकी है और ये सामने काम भी है, इधर भी काम करना है हमने। तो जाते हैं हम और उनके साथ हम मिले, कुछ बूट उनका ठीक नहीं है जी, व्लॉगिंग नहीं हो सकी सॉरी। तो जाते हैं सामान लेकर आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं जी। यानी है ऐसे और कुछ मंगने आना दाना है अभी। गड्डी उल्टे कराने मोटरसाइकिल से पहले तू छोड़, मैं कहना था इसको। हाँ पुटियो तो चार खड़ने ना, पैकुट चार खड़ने क्या जी रिवर। तो यहाँ पर हम फाइनली आ चुके हैं और यहाँ से लेके अभी कुट्टी की बाल्टी बड़ा पैकेट लेंगे क्योंकि रॉक वॉल में वो हम डाल रहे हैं जी, साथ साथ पीछे गोदाम में इनके आगे वाला। A few moments later. Welcome back, जी वीवर। तो आप देख रहे होंगे कि मैं वापस आ गया हूँ जी अपने घर, और क्यों आया हूँ ये बात आपको बताता हूँ जी। ऐसे हुआ है कि थोड़ा बहुत हमने काम किया है जी, तो काम करके अभी हम आ चुके हैं जी वापस, और खाना हमने घर आके खाया है जी। तो खाना शाना खा के और अभी बाहर निकले हैं, इसको जो है ना लेकर जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद खुद वहाँ रेलवे स्टेशन जाएंगे, तो वहाँ की व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे आज। और काम हमारा जो है ना आज कुछ शॉर्टकट थोड़ा सा ही काम हुआ है, और इंशाल्लाह कल वीडियो बनाएंगे काम की फिर आपके साथ और शेयर करेंगे अपने काम की वीडियो। और अभी हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो फिर आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक जी व्यूअर। तो निकल आए हैं जी हम वहाँ रेलवे स्टेशन के लिए, और हमारे साथ आज साहिब राजे भी है और एहसन भाई भी साथ है, तो भी साथ लेकर जाते हैं। और वहाँ पर आपको ट्रेन भी दिखाएंगे और वहाँ स्टेशन भी दिखाएंगे, और साथ हमारा ये छोटा मुन्ना भी आ गया है जी, ये भी जिद कर रहा था तो इसको भी साथ ले आए हैं। और हम आ चुके हैं जी फाटक में, तो यहाँ से अभी
आगे फिर ब्लॉग और बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो मोबाइल को रखने लगे हम अपनी जेब में। और यहाँ से भी जो स्टेशन को जो रास्ता जा रहा है जी, तो वो गली भी आपको दिखाते हैं, बहुत ही बड़ी गली है जी, ट्रक भी चला जाता है उस गली में और बाइक भी मुश्किल से जाता है जी उस गली में। और ये हमारे जो रेलवे का स्टेशन है उस तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ये वो अभी आपको दिखाते हैं और लेकर जाते हैं अभी बल्कि। ये सामने मस्जिद है, मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद के साथ ही ये जो रास्ता है ये देखें, ये जा रहा है जी रेलवे स्टेशन की तरफ। जो इधर नहीं आए आए इधर विजिट करें, ये पुराना स्टेशन है, वह रेलवे स्टेशन है। और शुक्र है बच गए अभी, जो चारों के चारे नाले में गिरने वाले थे और ये व्लॉग हमारा रह जाता। तो ये सामने है जी वह रेलवे स्टेशन, और अभी यहाँ पर आएंगे अपने बाइक को, तो सामने से फिर आपको स्टेशन का व्यू दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, तो आ चुके हैं जी हम वाह रेलवे स्टेशन, और ये सामने है वाह रेलवे स्टेशन। काफी पुराना रेलवे स्टेशन है ये, इसकी व्लॉग हमने पहले ही बनाई थी, और ये हमारी दूसरी तीसरी व्लॉग है यहाँ की। तो आज आपको यहाँ से जाफर एक्सप्रेस की जो शॉट है वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी तक वो आई नहीं, टाइम है अभी, तो जैसे ही आएगी तो आपके साथ वो वीडियो हम शेयर कर देंगे। कैसा लगा है जी आपको वह स्टेशन? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी पुराना है ना जी व्यूअर्स। तो तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद अभी जाफर एक्सप्रेस निकल है ये जी टैक्सी से, और सिग्नल यहाँ पर डाउन हो चुके हैं जी, ये आप सामने देख सकते हैं। तो फाटक भी बंद हो चुकी है और अभी आने वाली है, यहाँ से इस तरफ से आएगी और आपके साथ फिर शॉट शेयर करेंगे उसका। तो जैसे ही सामने आएगी फिर आपके साथ और शेयर करते हैं इसकी। जी व्यूअर्स, तो जाफर एक्सप्रेस सामने आ चुकी है और सामने से बिल और बहुत ही स्पीड से आ रही है। अच्छी लगी होगी, तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर और फिर वहां पर आपके साथ और भी लोग अपनी शेयर करेंगे जी व्यूअर्स। तो फाइनली इरादा बन गया यहां पर, आपको आज रहमान बाबा एक्सप्रेस की शॉट भी दिखाएंगे, क्योंकि वो भी अभी जाफर एक्सप्रेस के पीछे आ रही है, तो उसकी शॉट दिखाएंगे फिर जाएंगे वापस घर आप जी व्यूअर्स। तो सिग्नल हो चुके हैं दोबारा एक बार फिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस तरफ से रहमान बाबा एक्सप्रेस की लाइट जो है ना वो हमारे सामने हो चुकी है और आ रही है जी रहमान बाबा एक्सप्रेस। और ये भी झंडा जो है ना वो गाड़ी के सामने करेंगे और गाड़ी गुजर जाएगी यहाँ से।
मान बाबा भी आखिर चली गई और अभी हम भी जा रहे हैं जी अपने घर। तो छोटे ने हमारे बाइक को जो है ना वो स्टार्ट करके पहले से ही रेडी होके खड़ा है जी, और एहसन भी इनके साथ है। तो अभी जाते हैं घर और फिर आपके साथ और भी लोग वहाँ पर शेयर करते हैं जी। व्यूअर तो हमारा मुन्ना बीमार हो गया था जी, और इसको फिर बुखार हो गया था, कल भी हुआ था लेकिन आज फिर तेज़ बुखार हुआ है। तो डॉक्टर के पास इसको लेकर गए थे और इसको दवाई शवाई दी है अभी, तो बहुत ही मुश्किल से अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 12 का और अभी ये सोया है जी, ये सो ही नहीं रहा था, बार बार रो रहा था, तो बहुत ही मुश्किल के साथ और बहुत ही जो है ना मुश्किल से ये भी सो गए। तो अभी मुझे टाइम मिला जी आपसे इजाज़त लेने का, व्लॉग को करेंगे जी अभी एंड। और उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।